हेलो बच्चों, तो मैं उड़ने की कहानी जो चैप्टर डिस्कस कर रहा था, जिसमें मनुष्यों ने सबसे पहली उड़ान भरी थी और अपने उड़ने के सपने को पूरा किया था, उस चैप्टर का पार्ट टू यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहला पार्ट एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आने की वजह से मुझे बीच में बंद करना पड़ा था। कोई बात नहीं, हम लोग इसे यहाँ से रिज्यूम करते हैं। तो हम लोग बातें कर रहे थे कि 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना में किट्टी हॉफ नामक जगह पर राइट ब्रदर्स ने सबसे पहली उड़ान भरी। तो ये दोनों भाई थे कौन? इनका नाम था विल्बर राइट और ओरविल राइट। ये दोनों के दोनों ओहियो में साइकिल बनाने का काम करते थे और वो 1900 ईस्वी से ग्लाइडर बना रहे थे और उन्हें उड़ा रहे थे। उन्होंने अनेक मॉडल बनाए तथा उन्हें हवाई सुरंगों में परखा। इसके उपरांत उन्होंने अपने एक विशेष इंजन का नक्शा बनाया और अपने परिश्रम और ज्ञान के बल पर उस इंजन को बनाने में सफलता अर्जित की। उनके द्वारा बनाए गए इस इंजन का वजन 200 पाउंड था तथा यह 16 हॉर्स पावर पैदा कर सकता था, इतनी फोर्स पैदा कर सकता था ये। उन्होंने इस ग्लाइडर को मजबूती प्रदान की और अपने इस इंजन को स्थापित किया। इससे किट्टी हॉक नामक स्थान पर ओरविल राइट के द्वारा एक दिन में 4 उड़ानें भरी गईं। उनकी प्रथम उड़ान मात्र 12 सेकंड की थी और वह 120 फुट उड़ा था। इसके बाद चौथी उड़ान में यह विमान 852 फुट उड़ा तथा 59 सेकेंड तक हवा में रहा। किट्टी हॉक में अपनी सफलता के बाद राइट बंधुओं ने 5 वर्षों तक डेटर में काम किया और 1908 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के लिए एक सैनिक विमान भी बनाया। 1909 में उन्होंने दिखाया कि विमानों में यात्री ले जाए जा सकते हैं। उनका यह यात्री विमान 40 मील प्रति घंटे की चाल से उड़ा। 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। तो इस हवाई जहाज की स्पीड क्या थी किलोमीटर्स में? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और उससे 125 मील की उड़ान के लिए काफी पेट्रोल था। अच्छा, तो ये पेट्रोल से चलने वाला इंजन था। इसके बाद अनेक लोग विमान बनाने और उन्हें उड़ाने का काम करने लगे। तो इस तरह धीरे धीरे मनुष्य को एक नए परिवहन का निर्माण करने में सफलता मिल गई। साथ ही उसका पक्षियों की तरह हवा में उड़ने का स्वप्न सपना भी साकार हो गया। वर्तमान में हमारे पास अत्यधिक बड़े तथा तीव्रतम गति से उड़ान भरने वाले वायुयान उपलब्ध हैं। इन वायुयानों ने दूरियों को इस तरह छोटा कर दिया है कि आज विश्व एक छोटा सा गांव बन करके रह गया है। परिवहन के इस विलक्षण साधन को बनाने के लिए हम सदैव राइट बंधुओं के आभारी बने रहेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे मनुष्यों ने अपने उड़ने के सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या परिश्रम किया, क्या क्या तरकीबें लगाई, कैसे उन्होंने उड़ने वाला गुब्बारा बनाया, ग्लाइडर बनाया, फिर आगे चल करके उन्होंने हवाई जहाज बनाने में सफलता प्राप्त की। तो आजकल के समय में अगर किसी को इंडिया से अमेरिका जाना हो, इंडिया से इंग्लैंड जाना हो, साउथ अफ्रीका जाना हो, तो आप कैसे जाना चाहोगे? क्या आप साइकिल से जाना चाहोगे, बस से जाना चाहोगे, मोटरसाइकिल से, कार से, पानी में चलने वाले जहाज से जाना कैसा रहेगा? उसमें भी आपको महीनों लग सकते हैं, है ना? तो अगर हम इतनी लंबी दूरी तक यात्रा करने की बात करते हैं तो क्या है? एयर सर्विस, एरोप्लेन्स आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर अस, क्योंकि वे हमारा समय बचाएंगे और आज की दुनिया में समय की कीमत सबसे ज्यादा है। काफी सालों तक लंबी दूरी पर यात्रा करने के लिए लोग समुद्री जहाज से यात्रा किया करते थे। तो समुद्री जहाज यात्रा करने के लिए आज के समय में भी लंबी दूरी के लिए इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो सस्ता साधन है, लेकिन उसमें स्पीड नहीं है, काफी समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो आजकल की जिंदगी में तो हम लोग बिना हवाई जहाज के मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। आजकल के समय में हम लोगों ने ये भी सुना है ना कि कोरोना के दौरान में एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से इस देश में ये जो वैक्सीन्स वगैरह हैं, दवाएं भेजी जा रही हैं, तो इसमें भी हम लोग हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी उस दवा को, वैक्सीन को दूसरी जगह पर भेज सकें। तो बच्चों, ऐसा है कि जल्दी ही मैं एक और इस तरह का लेक्चर सेशन रखूंगा जिसमें मैं आपको रॉकेट के बारे में बताऊंगा, रॉकेट की कहानी और आगे चल करके एक समुद्री जहाज की कहानी, उसकी भी कहानी बताऊंगा,
ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहली मोटर कार बनने की कहानी भी आपको बताऊं। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां जो आपकी जानकारी में काफी वृद्धि करेंगी, आपको इसके बारे में सोचने को मजबूर करेंगी। हो सकता है आप में से भी कोई बच्चा इतना क्यूरियसिटी रखता हो, मशीनें बनाना चाहता हो, मशीनों के काम करने के तरीके को समझना चाहता हो, तो उसके लिए भी ये चैप्टर्स, ये जो लेक्चर्स होंगे, ये बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। क्योंकि ये सिर्फ आपकी क्यूरियसिटी को शांत नहीं करते, आपको सोचने समझने का मौका देते हैं, आपकी जानकारी बढ़ाते हैं। जैसे आज का ही जो चैप्टर मैंने डिस्कस किया, तो आप सब बच्चे इससे काम कर सकते हैं। यू हैव टू मेंटेन ए टाइम लाइन, हिस्टोरिकल टाइम लाइन। आप इस कहानी के आधार पर लिखना शुरू करो कि कितने तारीख और कितने ईस्वी में सबसे पहला गुब्बारा उड़ाया गया, उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में फिर क्या हुआ, और वहाँ से लेकर के आएंगे हम वहाँ तक जहाँ पर राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को पहली हवाई उड़ान भरी थी। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है 1766 ईस्वी में, जब हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले हाइड्रोजन गैस की खोज की, है ना? तो 1766 से लेकर के 17 दिसंबर 1903, इसके बीच में लगभग 150 साल का समय रहा है, 160 साल का समय रहा है। और इतना समय लग गया मनुष्यों को पहली उड़ने वाली मशीन, पहली उड़ने वाला हवाई जहाज बनाने में। और इसके पीछे आप सोचो कि कितने सालों से मनुष्य ये सपना देखते रहे होंगे कि काश हम उड़ पाते, काश हमारे पास उड़ने के लिए कोई चीज होती, उड़ करके कहीं भी चले जाना, लंबी से लंबी दूरी को कम समय में तय करना कितना आसान होता है ना? ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। आगे चल करके जल्दी ही हम लोग ऐसे ही किसी चैप्टर के साथ में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको किसी मशीन के बारे में, किसी आविष्कार के बारे में, किसी खोज के बारे में कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।